नाम पीर तारिक शाह है, मैं सावजियां का रहने वाला हूँ। हम मीडिया के सामने इसलिए आज खड़े हुए हैं कि आज हमारी ये बहुत बड़ी मजबूरी बन चुकी है। ऐसा 2014 में सैलाब के दौरान जो है काफ़ी सारा नुकसान हुआ था, जिसमें एक ये हमारा नंगाली साहब के पास जो ब्रिज है, जिसको दुंगली नाला ब्रिज भी कहते हैं, वो भी डैमेज हुआ था। हर जगह काम हुए, पुल तामीर हुए, जैसे शेर कश्मीर पुल जो है वो दोबारा तामीर हुआ है, कलाई के ब्रिज का काम चल रहा है, लेकिन इस पुल का किसी की तरफ कि इसकी तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारा मंडी का जो है तहसील है, सावजियां, लोरन, फतेहपुर, काफ़ी सारा इलाका है, ये बहुत इलाका है, कम से कम सवा लाख लोगों की आबादी है, कि जो इस पुल से क्रॉस होकर पूंछ शहर की तरफ जाती है। आज में जो धुंगली का पुल जो है, धुंगली नाले का पुल जो बह गया था, तो हर जगह काम हुए लेकिन उस पुल का कोई काम ना हुआ। ज्यादा हमारी बड़ी दिक्कत होती है पुल से जब आना हो, तो हमें बाया उस शहर किसी पुल से आने के लिए बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ती है, कड़ाई पुल कभी बंद हो जाता है, तो इसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी होती है, ड्राइवरों को बहुत परेशानी होती है। हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारा तलाई का ब्रिज जो है वो बंद पड़ा हुआ है, वहाँ से गाड़ी आने जाने के लिए हमने बंद किया, जो ऋषि ने बोले गाड़ियाँ पुल डैमेज हो चुका है, क्या है क्या नहीं है, उसकी वजह से जो हमारी गाड़ियाँ जम्मू जा रही हैं वो यहाँ से पूंछ से फिर के बाया शेर कश्मीर ब्रिज के तरफ से जाके जाती है जम्मू, वहाँ से जो हमारी जम्मू से गाड़ी आती है उसको भी बहुत परेशानी हो रही है, वो भी पूंछ से आती है वापस मंडी लोहन सावजे बाढ़ इलाका है, जो गाड़ी जम्मू से आती है लोहन जाना होता है, सावजे जाना होता है, उनको बहुत परेशानी, गाड़ी वालों को भी होती है और आम पब्लिक को सबको परेशानी आ रही है।